हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एंड ट्वेंटी फोर सेवन माई सेल फर्स्टप्रीत या फिजिक्स एजुकेटर सो मैम आपके लिए लेकर आ गई एक बहुत ही इनफर्मेटिव वीडियो जैसे कि हमें पता है दैट इलेक्शनस आने वाले हैं इस साल लोकसभा के इलेक्शन हैं तो काफी सारे एग्जाम्स ऑलरेडी उस चीज़ के कारण इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें तो उसमें भी डिले देखने को मिलेगा इस साल डेट्स चेंज हो गई हैं एन ने अभी एज सच अगर मैं बात करूँ तो कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है इलेक्शन की डेट के कारण आपके नीट या फिर सी एग्जामिनेशन के डेट्स के चेंज का बट अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें जो कि ऑल हो रहे हैं और काफी सारी स्ट्रीम्स में अगर मैं बात करूं काफी सारे सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं अगर मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूं तो आपका बायो का एग्जाम भी हो गया मैथ्स भी हो गया फिजिक्स भी हो गया केमिस्ट्री भी हो गया इंग्लिश भी हो गया है ना फिजिकल एजुकेशन भी हो गया तो काफी मेजर मेजर एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं

को जुड़े रहना है बिकॉज़ आपके लिए सिर्फ 12वीं तक का ही सफर नहीं था बेटा उसके आगे मेन सफर तो उसके आगे होता है जो आपकी सिलेक्शन का सफर होता है सो so आपको यहीं पर हमारी पूरी टीम के साथ जुड़े रहकर ही तय करना है एंड वीडियो को शेयर जरूर से कर देना और लाइक भी कर देना तो चलो यार बेटा एक बार मैं आपको एनालिसिस दिखा देती हूं पूरा 2014 से अगर मैं बात करूं स्टार्ट करना एनालिसिस तो बेटा आप देख सकते हैं 2014 वाज़ फोर्टीन द इलेक्शन ईयर ठीक है तो यहां पर जो एग्जाम स्टार्ट हुए थे वो फर्स्ट ऑफ मार्च से हुए थे और जो एग्जाम एंड हुए थे वो सेवनटीन ऑफ अप्रैल को एंड हुए थे और जो रिजल्ट आया था वो पच्चीस मई को आया था यानी कि थर्टी डेज के बाद आपका रिजल्ट आ गया तो ऑलमोस्ट एक महीने से बेटा आप ले लो आठ दिन ज्यादा तो ज्यादा यहाँ पे वेट नहीं करनी पड़ी थी वहां पे अगर 2015 की बात करें तो सेकेंड मार्च से शुरू होकर 20 अप्रैल को खत्म 25 मई को रिजल्ट 35 दिन लगे थे 2016 में 29 डेज बाद रिजल्ट आ गया था 2017 में 29 डेज के बाद 2018 में 43 डेज के बाद आपका रिजल्ट आया था और 2019 हजार की अगर हम बात करें अगेन एन इलेक्शन ईयर तो इस साल में बेटा आपका 28 दिन बाद रिजल्ट जो था वो अट्ठाईस कर दिया गया था एग्जाम की एंड डेट थी इस बार 4 अप्रैल और इस साल में बेटा आपका जो रिजल्ट आया था वो आया था सेकेंड ऑफ मई को तो बहुत ही जल्दी बेटा रिजल्ट जो है वो देखने को मिल गया था और वहीं पर अगर हम 2020 की बात करें जो कि कोविड का साल था तो काफी सारे जो पेपर्स थे वो रिशेड्यूल कर दिए गए थे पोस्टपोन कर दिए गए थे सिक्योरिटी पर्पजेज के कारण सो so, अः uh, यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा जो रिजल्ट डेट थी वो बहुत ही डिले हो गई थी थर्टीन ऑफ जुलाई हो गई थी क्योंकि अः uh, यहाँ पर जो एग्जाम है वो बहुत लंबे टाइम तक चले थे ठीक है अब अगर हम यहाँ पे बात करें 2021 में 49 डेज लगे थे बेटा अगेन ये कोविड पीरियड चल रहा था तो यहाँ पर कुछ अनसर्टनिटी थी फोर्टी तो 49 डेज बाद बेटा आपका 30 जुलाई को रिजल्ट जो था था वो किया गया था। मतलब आप देख सकते हैं जुलाई तक चला गया था रिजल्ट तो बच्चे एकदम फैल गए थे हाँ ठीक है भूल ही गए थे कि पेपर दिया है और फिर अगर दो की बात करें तो थर्टी डेज के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था और अगर हम पिछले साल की बात करें यानी कि दो की बात करें तो थर्टी डेज बाद आपका रिजल्ट आ गया था अब आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा बेटा थर्टी सेवन थर्टी सेवन और ये है इलेक्शन का ईयर तो बेटा या तो थर्टी सेवन डेज के बाद यानी कि अगर मैं मान के अप्रैल को आपका खत्म हो रहा है तो आपका जो रिजल्ट है वो सेकेंड वीक ऑफ मे तक एक्सपेक्टेड है बट अगर इलेक्शन का ईयर है जैसे कि हमें पता है इस साल लोकसभा की इलेक्शन होने वाली हैं आपकी तो उस केस में आपके पास जो रिजल्ट है वो जल्दी डिक्लेयर किया जा सकता है क्योंकि जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं

और कितने परसेंट मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये भी कमेंट करके जाना क्योंकि बेटा तक की कहानी अधूरी होती है तक करके ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई खत्म होगी असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है बेटा और उसी की प्रेपरेशन हम लगातार आपको इस चैनल पर मेरी पूरी टीम जुटी हुई है आपको प्रेपरेशन कराने में आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने में यानी कि सीयूटी की प्रेपरेशन कराने में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव तो को सब्सक्राइब जरूर से करें एंड कम इन द जुनून प्लस बैच यार अगर आपने इन नहीं किया बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इस बैच में इनरोल हो चुके हैं हमने सीट्स जो थी वो क्लोज कर दी थी हमने एक्सटेंड की है बच्चों की रिक्वेस्ट पर सिर्फ सीट्स सो बेटा

कलर केस आप महापैक में इनरोल कर सकते हैं मैं आपको एक बार फटाफट से बता देती हूँ हाउ कैन यू इनरोल इन इट आप जब ऑल कोर्सेज में जाएंगे बेटा अंडर ट्वेंटी फोर के स्कूल के ट्वेल्व कैटेगरी में जाएंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास ट्वेल्थ पे क्लिक करेंगे सो so, बेटा ये सब बैचेस आ जाएंगे आपके पास जुनून प्लस वाले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रीम आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं जो सा भी कोर्स आप ऑप्ट करना चाहते हैं फिर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो so, बेटा यहाँ पे आप महापैक्स पाएंगे महापैक्स क्या होते हैं

आपको 17% तक का ऑफ मिल जाएगा और जब आप ऐप से जाएंगे तो 18% तक का ऑफ मिलेगा बेटा ऑन दिस कोड और 4688 में ओनली मार्क माय वर्ड्स ओनली आप जितनी भी कोर्सेज हैं आगे फर्दर प्रैक्टिस कोर्स आएगा माइंड मैप कोर्स आएगा सब कोर्सेज का एक्सेस फ्री में पाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स मिलेंगी आपको साथ ही साथ यू विल बी गेटिंग प्रैक्टिस बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट जिसमें हर एक चैप्टर के पीछे सौ प्लस क्वेश्चंस दिए होंगे बेटा प्रैक्टिस के विद सॉल्यूशंस यस विद सॉल्यूशंस ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए अब इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं ऑन माय ऑफिशियल ईमेल आईडी डी अर्शप्रीत ए आर एस एच पी आर डब्ल्यू टी डॉट सिंह एस आई और अगर बेटा आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो जब अगर आप ऐप पर जाते हैं आपको लाइव कोर्सेज नहीं ऑप्ट करने आपको सिंपल बुक्स लेनी है टेस्ट सीरीज लेनी है या सिलेक्शन किट लेनी है तो स्कूल के ट्वेल्व कैटेगरी में जाके आप इसको स्क्रॉल करके आप सिलेक्शन किट में भी इनरोल कर सकते हैं एंड यूजिंग द सेम कोड यू विल अगेन गेट मैक्सिमम रिबेट्स और आप पार्ट बनेंगे का यानी कि पी फॉर पॉजिट्रॉन्स पी फॉर फिजिक्स एंड पी फॉर फिजिक्स यानी कि हम पॉजिटिविटी के साथ अपनी सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए बेटा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन